पीलीभीत जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, जहां पर जंगल में रहने वाले आवारा कुत्तों ने आज एक 12 वर्षीय छात्रा को बनाया अपना निवाला। जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम बगवा में आज सुबह धर्मवीर मौर्य की 12 वर्षीय पुत्री नेहा, जो कि कक्षा 4 की छात्रा थी, वो सुबह 7 बजे से लगभग गाँव के कुछ ही दूरी पर अपने खेत में घर के लिए हरा धनिया काटने गयी थी। तभी अचानक उसके ऊपर जंगल के 4-5 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़की को खेत में ही बुरी तरह से नोच कर मार डाला। लड़की के शरीर का कुछ मांस खा गए। आसपास कोई नहीं था। जब तक लोग पहुंचे तब तक कुत्तों ने लड़की को मार डाला था, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन, गांव वाले, जिन्होंने थाना जहानाबाद पुलिस को सूचना दी। आनंद फानन में जहानाबाद कोतवाल हरीशवर्धन सिंह पेरवा चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत भेज दिया है। लोगों का कहना है कि कुत्ते खूंखार हो गए हैं। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की इन कुत्तों को पकड़वाया जाए, नहीं तो ये किसी और घटना हादसे को अंजाम दे सकते हैं। बता दें, आसपास के गांव के लोग मरे हुए जानवरों को डाल देते हैं, जिनका मांस खाकर ये कुत्ते खूंखार हो गए। धर्मवीर के परिवार में 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़कियां एक लड़का है। नेहा मौर्य 12 सबसे बड़ी थी। लड़की की मौत से घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मामले को संज्ञान में लेकर वन विभाग के DFO को कार्रवाई के लिए कहा है। आवारा कुत्तों को चिन्हित कर पकड़ा जाए। रिपोर्ट जाहिद अली, पीलीभीत। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इन कुत्तों का आतंक है और प्रशासन जो है कुत्तों को पकड़वाए। इससे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चों को खेत पर नहीं जा पाते और जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। कृपया करके इनको सबको पकड़वा जाए तो गांव के सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो। सब बच्चे जाते हैं और जो जानवर पड़े हुए जानवर पर हमला कर देते हैं। हिरन वगैरह होते हैं कुछ और बच्चे होते हैं, उन पर सब पे हमला कर देते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। कहाँ रहते हो? बगवा। क्या घटना हुई है? घटना जी हुई थी, मैं गया था खेत पे दवाई छिड़कने के लिए। मैंने इसे देखा था जाके कुत्तों ने इसे मार डाला था लड़की को। तो मैंने इसे पहचानने के बाद में मैंने अपने घर पे फोन करा था पिताजी के लिए। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, धर्मवीर की लड़की ख़त्म हो गई है और कुत्तों ने इसे नोच डाला। तभी फिर उनने यहाँ धर्मवीर रहे सूचना करी भाई के, तो वो लोग गांव के लोग गए फोन पर खेत पे। कितने कुत्ते थे लगभग? 5-6 कुत्ते थे। इससे पहले भी किसी को काट चुके हैं कुत्ते? रेल के मार दिया है, क्या कहना है? हाँ, ये घटना प्रदास में आई है। वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई है। बच्ची के शव को पुलिस कब्जे में लेकर के पंचायतनामा कराया गया है और हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने DFO से बात कर ली है। वो जंगली जो कुत्ते हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सर्वे किया जा रहा है कि कितने वहाँ इस तरह के जंगली जानवर हैं जो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, नगर पंचायत और नगर पालिका मुझे आवारा कुत्तों को उनके क्या कहना है आपका? तो देखिए, नगर पंचायत नहीं, ये गांव का एरिया है, तो वहां पे जो DFO हैं उनसे बात की गई है। उनकी एक टीम है जो इस तरह के जंगली जानवरों को पकड़ने का काम करती है। वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनको ले जाएंगे वहाँ से, डिस्प्लेस करेंगे, जिससे फ्यूचर में कोई घटना ना हो। इनका कहने का मतलब है जो नगर पंचायत और नगर पालिका में भी आवारा कुत्ते घूमते हैं उनके लिए कुछ है, तरीका है? उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और DM साहब ने जितनी नगर पंचायत या नगर पालिका है उनके लोगों को भी कहा है कि ये देख लें जो इस तरह के आवारा कुत्ते और इस तरह के लोग वो घूम रहे हैं जानवर, उनके पकड़ने की या उनको वहाँ से डिस्प्लेस करने की कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।